पब्लिक टीवी आपकी आवाज़। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा मुरादाबाद की ओर से मानसरोवर पार्क में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर एम परवीन द्वारा बहुत सुंदर तरीके से योग का प्रशिक्षण दिया गया, डॉक्टर रूपा घोष द्वारा ध्यान कराया गया जिसका बड़ा सुखद अनुभव रहा, पूनम चौहान द्वारा प्राणायाम कराया गया और प्राणायाम की बारीकियां बताई गई। 3 दिवसीय योग शिविर में कमर दर्द, गर्दन के दर्द, घुटनों के दर्द, शुगर, थायराइड आदि के एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए गए। महिला महासभा की मंत्री एकता जैन ने बताया कि हास्य थेरेपी से पेट के रोगों का उपचार संभव है। हास्य द्वारा पेट के किडनी के लीवर के सुचारू कार्य करते हैं। ताली के साथ हंसने से सारा तनाव दूर होता है, इससे पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है। ताली थेरेपी के द्वारा एक्यूप्रेशर उपचार संभव है, जिससे शरीर के अनेकों अंगों का उपचार सफलतापूर्वक स्वतः ही हो जाता है। योग शिविर के समापन दिवस पर गंगा आरोग्य धाम के योग के विद्यार्थियों द्वारा बहुत ही मनमोहक एक्रोबेटिक योगा संगीत के साथ प्रस्तुत किया गया। मैं दिगंबर महिला महासभा की अध्यक्षा श्रीमती पूजा जैन, वाइफ ऑफ अनुज जैन, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा द्वारा 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन मानसरोवर पार्क में किया गया, जिसका शुभारंभ श्री महावीर इंस्टीट्यूट से श्रीमती ऋचा जैन भाभी जी, संरक्षिका श्रीमती शशि जैन भाभी जी और हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती नीलम जैन भाभी जी ने किया। योग शिविर में डॉक्टर प्रवीण द्वारा योग का प्रशिक्षण किया गया, पूनम चौहान जी द्वारा एक्वा प्रेशर के पॉइंट भी बताए गए जिनसे हम भिन्न भिन्न बीमारियां दूर कर सकते हैं। डॉक्टर रूपा घोष जी ने तो ध्यान के द्वारा सुगत की अनुभूति करा दी और मंजरी जी जो कि जैन समाज से ही हैं, उन्होंने हमें आसनों द्वारा बताया कि किन किन बीमारियों से आप दूर कर सकते हैं। योग के द्वारा आप डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और थायराइड जैसी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, जिनका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। हमारी महामंत्री जी श्रीमती एकता जैन जी ने बताया कि कैसे हास्य थेरेपी से आप अपने चेहरे पे ग्लो ला सकते हैं और क्लैपिंग थेरेपी भी उन्होंने बताई और उसके फ़ायदे बताए। शिविर के आयोजन के अंतिम दिन हमारी चीफ गेस्ट श्रीमती विभा जैन भाभी जी और हमारी संरक्षिका श्रीमती शशि जैन भाभी जी और नीलम जैन भाभी जी ने वृक्षारोपण किया, जो कि आंवले का था, औषधीय है और सबके लिए लाभकारी है। मैं पूरी कार्यकारिणी महिला महासभा की कार्यकारिणी और पूरे जैन समाज को बधाई देना चाहूँगी जो इस तरीके से सफल आयोजन बनाते हैं, और हम इस तरीके से छोटी छोटी कोशिशें करते रहेंगे और सफल आयोजन छोटे छोटे आयोजन करते रहेंगे।